आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना। और ये जो सत्य घटना है, इसमें लड्डू गोपाल स्वयं अपने भक्त के पास आते हैं, और उस भक्त के पास जिसने कभी लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं की थी, कभी लड्डू गोपाल के बारे में ज्यादा जाना भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी लड्डू गोपाल उसके घर आने के लिए रीझ जाते हैं। वो कैसे होता है, कैसे कृपा होती है उनकी, ये सत्य घटना के माध्यम से आप सुनिएगा। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर दिया करिए, चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये नेहा जी ने ये सत्य घटना शेयर की है। नेहा जी पंजाब में रहती थी, जो कि अभी 1 महीने पहले ही वो दिल्ली आई हुई है, और वो पंजाबी फैमिली से है। कोई वैसे नहीं है कि उनके घर में हमेशा से कभी लड्डू गोपाल की सेवा हुई है, कुछ भी नहीं, कभी लड्डू गोपाल के बारे में जाना भी नहीं, कभी कैसे सेवा होती है कुछ भी नहीं, लेकिन कैसे हमारे लड्डू गोपाल, कैसे हमारे बाल गोपाल कन्हैया उनसे रिश्ते हैं, आप सुनिए। नेहा जी कहती हैं कि मुझे 1 महीने ही हुए हैं अभी दिल्ली आए हुए, और जहाँ पे ये रहती हैं, अभी जहाँ शिफ्ट हुई हैं, वहाँ सामने वाले का, क्योंकि दिल्ली में तो फ्लैट वाला सिस्टम अधिकतर रहता है, तो उनके फ्लैट के सामने ही एक उनकी फ्रेंड जैसे ही बन गई है, एक दोस्त बन गई है उनकी, जिसने कि लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, और वो बहुत ही मन से लड्डू गोपाल की सेवा करती है। तो उस दिन के बाद जब वो 10-15 दिन रहने के बाद उनसे बात होने लगी, तो वो जो नेहा जी हैं वो उनके घर आने जाने लगी। जब आने जाने लगी तो उसको देखती, बड़ा अच्छा लगता उनको देख के, लेकिन ये कभी सेवा तो की नहीं थी, कभी इनके बारे में कुछ जानती नहीं थी, लेकिन मन से उनके भी भाव आता था जब ये सेवा करते देखती अपनी सहेली को, और उनके बारे में कुछ पूछती, वो खुद अपने लड्डू गोपाल के बारे में बताने लगती, तो उनको बड़ा अच्छा लगता। लेकिन मन मार गया इसलिए रह जाती क्योंकि उन्होंने कभी सेवा की नहीं थी, उनके घर परिवार में कभी हुआ नहीं था, और ये पंजाबी परिवार से थी तो उनके घर में सब कुछ बनता था, सब कुछ खाती पीती थी, और लड्डू गोपाल की सेवा में नियम है। ये पूछा उसने कि तुम कैसे सेवा करती हो, क्या खाती हो, कैसे बनाती हो, तुमने जो इनकी फ्रेंड थी जिन्होंने रखा हुआ है, उसने सब कुछ बताया कि मेरे घर में सात्विक भोजन बनता है और मैं भी सात्विक भोजन ही करती हूँ, कोई लहसुन प्याज नहीं, कोई अंडा नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन, भगवान को वही भोग लगाते हैं और वही पाते हैं। तो ऐसे ऐसे जब बताती है तो वो तो एकदम से बिल्कुल चाहे के भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो हमेशा बचपन से ही लहसुन प्याज, और पंजाबियों का खाना तो बिल्कुल अलग ही होता है, उनमें बहुत लहसुन बहुत प्याज और सब कुछ भी खाते हैं वो, उनके खाने में कोई ऐसा निषेध नहीं है कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, और ये भी सब खाती थी। तो ये अपने मन में सोच ली कि अब तो आ नहीं सकते लड्डू गोपाल, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं, देखने से भी भक्ति बढ़ती है, एक भक्ति होती है जो सुनने से बढ़ती है, देखने से बढ़ती है, उनकी उनकी सेवा में लगने से भक्ति बढ़ती है, तो ये भी इनकी जो भक्ति थी वो देख देख के अब बढ़ रही थी। अब उन्होंने एक दिन क्या हुआ कि अपने हस्बैंड से बात की कि सुनो ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं भी लड्डू गोपाल रख लूँ। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि अचानक तेरे मन में ऐसे कैसे विचार आ गए, और लड्डू गोपाल की सेवा इतना आसान नहीं है। तो वो बोली कि नहीं, ये सामने मेरी फ्रेंड है, वो लड्डू गोपाल रखे हुए हैं और सेवा करती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मन करता है, ऐसा लगता है कि अपना सारा काम धाम छोड़ के उसके पास, उनके लड्डू गोपाल के पास ऐसे बैठी रहूँ। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि देख ले, लेकिन नियम बहुत है। वो कहती है कि कोशिश करूंगी, ऐसे कहती है। और कुछ दिन के बाद क्या होता है कि उनकी जो फ्रेंड है उसका नियम था कि वो हर महीने या 2 महीने के अंदर वो लड्डू गोपाल को लेके वृंदावन जरूर जाती थी बांके बिहारी के दर्शन करने। तो ये भी जाने ही वाली थी, तो ये गई हुई थी, तो उसने पूछा कि चलोगी क्या वृंदावन, मुझे जाना है। ऐसे जब उसने बोला तो वो जो नेहा जी है वो आज तक अपने जीवन में कभी वृंदावन नहीं गई थी कभी, क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण से कभी जुड़ी ही नहीं थी, तो उनके बारे में ना तो कभी सोचा था ना कभी जानी थी कि कैसे क्या होता है वृंदावन में, क्या है क्या है, कैसे दर्शन है, कैसे बांके बिहारी, कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन जो इनकी सहेली है वो बताती बिहारी जी के बारे में, वो बताती लड्डू गोपाल के बारे में, अब तो इनके अंदर से इतनी उत्सुकता बढ़ने लगी, इतनी चाह बढ़ने लगी कि हाँ मुझे भी रखना ही है घर में लड्डू गोपाल, और मैं भी चलूंगी। उसने कह दिया कि हाँ मैं चलूंगी, तो उसने डेटेड बता दिया कि स्टेट में जाएंगे, ऐसे जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, जो भी। तो उसने भी अपने हस्बैंड से बोला और बोला कि आप भी चलो ना, क्योंकि दिल्ली से वृंदावन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, गाड़ी से बड़े आराम से सुबह आदमी सुबह सुबह जाए और शाम को लौट सकते हैं। तो उसके हस्बैंड तैयार हो गए, बहुत अच्छे नेचर की थे, और कहते हैं ना कि जब भगवान कृपा करते हैं तो हर तरीके से कृपा करते हैं, और जिनके घर भी आना होता है भगवान इस तरीके से भूमिका बनाते हैं और कृपा करते हैं। और जब वो वहाँ पर गई, एक उनका छोटा बच्चा भी था, छोटा का मतलब कि रहा होगा 8-9 साल का, इतना इतना बड़ा बच्चा था, तो उसको भी साथ लेके गई ये अपनी फैमिली के साथ, वो और उनकी फ्रेंड फ्रेंड जो थी वो अपनी फैमिली के साथ, मतलब दो गाड़ी अब जाती हैं वृंदावन के लिए। तो जैसे जैसे उनकी सहेली बताती जा रही थी, क्योंकि गई तो कभी थी नहीं, सब कुछ थे, और जब वहाँ पहुँचती हैं, नेहा जी बताती हैं कि ऐसा लगा कि जैसे कहाँ मैं आ गई हूँ, इतनी खुशी, इतनी भीड़ थी, इतना सब कुछ था, लेकिन जो कि हम लोग कभी ऐसी भीड़ भाड़ वाले उसमें नहीं जाते हैं, बैंक में कभी कुछ ऐसा मौका आता ही नहीं है कि जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, और कभी जब हमने बांके बिहारी मंदिर में जाने के लिए किया, उस गली में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि पैर रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन लोग जाते जा रहे थे, जाते जा रहे थे, मैंने पहली बार देखा ऐसा क्रेज कि भगवान के लिए कोई ऐसे, मतलब इतनी भीड़ में भी कोई कैसे जा सकता है, इतनी ज्यादा भयानक भीड़ और लोग जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। मेरे मन में आ रहा है बार बार कि ऐसा क्या है बांके बिहारी में जो कि लोग इतना मानते हैं, इतनी भीड़ के बाद भी बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कोई अपनी जान।
की परवाह किए बिना ही अंदर जाते जा रहे हैं, उनको देखने के लिए इतने उत्सुक हैं लोग। तो बार बार बस यही आ रहा था कि आखिर क्या है। और जैसे ही मैं जाती हूँ वो दरवाज़ा खुलता है और जब मेरी नज़र पड़ती है तो मेरे तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि ये हैं, इनके लिए इतना तड़फ रहे हैं लोग, इतने बेचैन हैं इनकी इनको देखने के लिए। मन में बिल्कुल आया कि सच बात है, इनसे तो नज़रें नहीं हट रही हैं, कितनी प्यारी है, कितनी सांवली सी सूरत, कितनी प्यारी, कितनी मनमोहक छवि है, नज़रें नहीं हटा पा रही हूँ मैं। ऐसे वो करके भीड़ थी कि ऐसा लग रहा था बस कोई धक्का मत दे, कोई आगे करने के लिए मत है, बस मैं देखती रहूं। ऐसे पहली बार उनको देखा था नेहा जी ने और बस देख के देखती ही रह गई, वो छवि उनके आंखों में बस गई। इतने में हस्बैंड कहते हैं चलो बाहर चलो, बहुत भीड़ है, निकलो। ऐसे करके हस्बैंड मेरे हाथ पकड़ के बाहर वो कर लेते हैं क्योंकि भीड़ आती ही जा रही थी। और बस वही जो दर्शन थे, बस अब वो तो छवि आंखों में बस गई। लेकिन कहते हैं कि जब हम भगवान के भक्ति की लाइन में जाते हैं तो भगवान हमसे बहुत परीक्षा लेते हैं, इतनी आसानी से भी नहीं मिलते हैं, हमें परीक्षा बहुत लेने देते हैं। बस अब उनकी परीक्षा के क्षण थे। तो क्या होता है कि जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो जैसे घुसने में भीड़ वैसे बाहर निकलने में भी उतनी ही भीड़ होती है। बच्चा छोटा था और बच्चा जैसे ही वो गली में निकलते हैं ना कि वहां पे बहुत सुंदर सुंदर छवि वाले बहुत अच्छे सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल बैठे हुए थे, मिलते हैं वहां पे। तो एक लड्डू गोपाल को देख के मेरा जो बेटा है वो जिद करने लगता है कि माँ मुझे घर ले जाना है, माँ मुझे घर ले जाना है ऐसे, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर इतनी सुंदर पोशाक पहना के बिठाल के रखते हैं, इतना अच्छा लगता है देख के कि ऐसा लगता है कि सबको घर ले चले। तो ये अभी तक इन्होंने अपने मन में कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं लेके जाऊंगी नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि वही बस उनकी सेवा को लेके ये थोड़ी इनके मन में वो हो रहा था कि कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो ये अभी मना कर देती हैं अपने बेटे से कि बेटा अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब ले चलेंगे, बस इनको वही वो लग रहा था। और फिर बाद में वो जो इनकी सहेली थी वो कह रही है कि हाँ ठीक है, जब उनको आना होगा वो खुद कुछ ना कुछ कृपा करेंगे, और तुम्हारे चाहने से होगा भी नहीं, तुम मना भी करोगी लेकिन अगर उनको आना है तो वो आ जाएंगे। अब वो बच्चा जिद करने लगता है मुझे चाहिए ऐसे करके, लेकिन वो मना कर देती हैं। और हस्बैंड भी वो कह देते हैं कि बेटा अभी नहीं, बाद में ऐसे वो करेंगे, और ये खेलने वाली कोई वो थोड़ी है, ये तो सेवा के भाव से हम ले जाते हैं, ये लड्डू गोपाल है, कृष्ण भगवान, ऐसे समझाती है उनकी सहेली भी और वो भी कि बच्चा है कहीं टॉय समझ के या कि कुछ उस भाव से ना वो मांग रहा हो, तो समझाती हैं। अब वो बच्चा रोने लगता है और उसको कैसे तरह किसी तरह बहला के उनको आगे ले जाते हैं। और जैसे ही थोड़ी सा ही आगे बढ़े हुए थे कि भीड़ में सब लोग अपना आगे आगे देखते हैं, उनको लगा उनके मतलब नेहा जी को लगा कि हस्बैंड पकड़े होंगे उसका हाथ या कि जो भी सोची हो, और ये आगे आगे जा रही थी, पीछे हस्बैंड थे, बच्चा भी था। और कुछ दूरी में जब चलते हैं तो देखते हैं, आवाज देती हैं अपने बेटे को कि कहाँ है, जब देखती हैं तो बेटा ही नहीं। हस्बैंड पूछते हैं कि अरे मैं तो सोचा कि ये तुम्हारे साथ है और इतनी भीड़, मुझे लगा कि तुमने एक भी बार बताया नहीं कि उसका ध्यान रख लो वैभव का, ऐसा ऐसे कह के वो जब कहते हैं तो सबकी तो ऐसे समझो कि पैरों के नीचे जमीन चली गई हो, जैसे ऐसे बिल्कुल झटका सा लगता है। अब इतनी भीड़ में कोई बच्चा घूम जाए तो सोचो कैसे कैसे कैसे, सबसे पहले तो गलत विचार ही आते हैं, कहाँ चला गया होगा, कौन ले गया होगा। नेहा जी कहती है मेरे मन में तो यही विचार, और देखने में इतना सुंदर इतना प्यारा है गोलू मोलू सा उनका बेटा, बहुत ही सुंदर है, तो यही आया कि ऐसा ना हो कि कोई ले गया हो, कोई चोरी कर लिया ऐसे, क्योंकि हमेशा कुछ ऐसा होता है ना, तो ऐसे ही विचार आते हैं। उनकी सहेली कहती है घबराओ मत, परेशान मत हो, ये बांके बिहारी के पास हो तुम, उनकी उसमें हो, कुछ नहीं होगा, वो जहां भी होगा भीड़ में है वो यहीं आएगा। अब वो कहती हैं ऐसा तो नहीं मेरे से गलती हो गई हो, मेरा वैभव कह रहा था कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए और वो ले नहीं पाई हूँ, क्या पता क्या नाराजगी हो गई, क्या हो गया, भगवान नाराज तो नहीं हो गए, ऐसे वो करके वो नेहा बहुत रोने लगती है, तड़फने लगती है अपने बच्चे को लेकर, चिल्लाने लगती है, पूरे आसपास सब जगह सबसे पूछती है, फोन में फोटो दिखाती है अपने बच्चे की जो भी आसपास से गुजर रहा था उनसे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हाँ हमने इस बच्चे को यहाँ पे देखा है। अब तो ये समझो कि एक घंटा डेढ़ घंटा सारी जितनी गलियां थी सब में वो ढूंढ डालती हैं, वो उनके हस्बैंड और जो सहेली थी सहेली के हस्बैंड सब पूरी गलियों में छान लेते हैं, लेकिन वैभव का कोई पता नहीं। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ कौन ले गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इनके मन में सिर्फ एक ही विचार आता है, एकदम से मुंह से ही इनके निकलता है नेहा जी से कि हे लड्डू गोपाल, जिस लड्डू गोपाल के लेने के लिए मेरा वैभव कह रहा था, हे बिहारी जी, हे लड्डू गोपाल, मैं आपको घर लेके चलती हूँ, लेकिन आपको बस लेके नहीं चलूंगी, आपके साथ मेरा वैभव भी होना चाहिए, मुझे मेरे वैभव को मिला दो और मैं भी आपको साथ में लेके चलूंगी। ऐसे जैसे कहती हैं कि थोड़ी सा ही आगे ढूंढती हैं आगे वाली गली में, किसी को फोटो दिखाती है, सबको जैसे फोटो दिखाती जा रही थी वैसे ही एक किसी ने फोटो देखा और कहा कि अरे ये बच्चा तो वहां पे पीछे वाली गली में रो रहा है, बहुत देर से रो रहा है और वो ढूंढ रहा है, तो आप लोग ही हैं क्या? तो वहां पे मैं एक शॉप में जहां लड्डू गोपाल है वहीं पे मैं वहां पे उस बच्चे को बिठा दिया हूं और है, तो आप चले जाओ। उस दुकान का नंबर बताता है कि ये नंबर है, वहां पे बिहारी जी की गली से जैसे निकलो वो दुकान है। तो जब वो सुनती है कि वो दुकान है तो वो वापस आती है और जब देखती है कि अरे ये तो वही दुकान है और देखती है तो देखती रह जाती है, क्या देखती है कि वैभव अपने वही लड्डू गोपाल को लिए हुए गोदी में बैठा है और उनके साथ खेल रहा है। तो ये देख के तो इतनी खुश होती है नेहा जी, इतनी खुश होती है कि मैं मान गई कि सच में लड्डू गोपाल बिहारी जी की कृपा है यहाँ पर, और वो कृपा करते हैं। आज तक मैंने सुना था कि लड्डू गोपाल कृपा करते हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, लेकिन आज मैं मान गई क्योंकि मेरे ऊपर जो इन्होंने कृपा किया है, दया किया है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। और वो अब उन लड्डू गोपाल को भी लेती है और अपने वैभव को ही उनकी निछावर करती है दुकान वाले से और वो लेके घर आती है। तो इस प्रकार उनके लड्डू गोपाल उनके पास आते हैं और अब हमेशा के लिए उनके साथ है। और नेहा जी
उनको लड्डू गोपाल को एक अपने बच्चे के भाव में ही उनकी सेवा कर रही हैं, और वो जो वैभव है, वो जो बच्चा है ना, वो भी उनको एक भाई के रूप में, इतने सखा के रूप में इतनी सेवा भाव से करता है ना कि देख के बिल्कुल मन प्रफुल्लित हो जाता है, इतनी खुशी होती है। एक आश्चर्य वाली बात ये हुई कि जो हमारे घर में बिना लहसुन प्याज के कभी भोजन नहीं बनता था, कभी कुछ बनता ही नहीं था, और आज जब से बिहारी जी आए, जब से लड्डू गोपाल हमारे घर में आए हैं, कभी किसी ने शिकायत नहीं की कि आज लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाया। क्योंकि आते साथ ही मैं एक बात बोलती थी कि अब लड्डू गोपाल आए हैं घर में, आज से मेरे घर में लहसुन प्याज का कुछ भी नहीं बनेगा, सिर्फ सात्विक भोजन बनेगा। जो बिहारी जी लड्डू गोपाल को जो भोग लगेगा वही घर में सब लोग खाएंगे। तो ये बात, जो कि मेरे हस्बैंड कभी बिना ऐसे लहसुन प्याज का खाना नहीं खाते थे, लेकिन ये सिर्फ लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से उन्होंने उनको समझा, और उनकी कृपा की वजह से ही आज हमारे घर में एकदम सात्विक भोजन बनता है, वही भोजन बनता है जिसका कि हम भोग लगा सकें, और वही भोग प्रसादी हम लोग पाते हैं, हम लोग खाते हैं। और भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से आज हमारे घर में बहुत ही अच्छा, खुशियां हैं, सब कुछ है, और ये सब कुछ मेरे लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से है। तो हे लड्डू गोपाल, सबके ऊपर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। और जो हमारे लड्डू गोपाल है ना, वो छोटी छोटी ऐसी अनुभूतियां, जो उनकी कृपा है, वो छोटी छोटी ऐसी करते रहते हैं, जिनका कि शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ उनकी अनुभूति होती रहती है। ये कृपा है उनकी, बिहारी जी की, और भगवान की कृपा से अब हम लोग भी, जब भी मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिलती है, जब भी कुछ ऐसा मौका आता है, जरूर बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, और बरसाना भी वो आए हैं, हम लोग ऐसे वंदना जी बताती हैं, बहुत खुश हैं। हर बार उनको बांके बिहारी के लड्डू गोपाल को दर्शन करा के लाती हैं। अब उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और जहां भगवान की भक्ति बढ़ती है, जहां भगवान की कृपा होती है, वहां पे तो सुख समृद्धि सब कुछ वास करती है। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय, भगवान बिहारी जी लड्डू गोपाल सब परिवार के ऊपर ऐसी ही कृपा सदा बनाए रखें, सबके ऊपर भक्ति बढ़े, सबके ऊपर कृपा हो आपकी। तो बोलिए बिहारी जी की लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।